नोटबंदी के बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित किया और उन्होंने क्रिसमस के साथ साथ नए साल की शुभकामनाएं भी दी। साल की आखिरी मन की बात को संबोधित कर रहे पीएम ने अपनी योजना की शुरुआत लकी ग्राहक योजना के बारे में जानकारी देकर की। पीएम ने कहा कि कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की खातिर इस योजना की शुरुआत की जा रही है। योजना के तहत अगले 100 दिन तक रोजाना 15,000 लोगों को 1-1,000 का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही पीएम ने नोटबंदी को लेकर कहा कि जितनी पीड़ा आपको होती है उतनी ही पीड़ा मुझे भी होती है। सरकार जनता जनार्दन के लिए है, जनता की सुविधा के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। वहीं शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने पर पीएम ने कहा कि मैं चाहता था सदन में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई और राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर व्यापक चर्चा हो। कानून सबके लिए बराबर है, किसी को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। बार बार नियमों में हो रहे बदलाव पर उन्होंने बताया कि बार बार नियम बदलने के मामले में सरकार जनता से फीडबैक लेती है और जो नियम बदलते हैं वह उन्हीं के आधार पर बदलते हैं। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की तो अभी शुरुआत है, ये पूर्ण विराम नहीं है। तो ये तमाम बातें पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए लोगों तक पहुंचाई और साथ ही ये भी कहा कि गरीब का जो पैसा है वो गरीब को मिलेगा, कैशलेस से गरीब को फायदा होगा और उसका हक नहीं मारा जाएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।